मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम ली को देखते हैं, जिसने यहाँ पर ब्लड गॉड की पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। इसके बाद वह इससे चेंगसाओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तब तक चेंगसाओ ने भी यहाँ पर अपनी थंडर पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद चेंगसाओ भी एक छोटा सा अटैक ली के ऊपर कर देता है, जो कि सीधे जाकर इस एंसेस्टर को लग जाता है, जिसकी वजह से वह एक ही झटके में यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर ली भी थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, और इसे तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि चेंगसाओ ने अपने एक ही अटैक से यहाँ पर उसके इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसलिए वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि चेंगसाओ बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन वो यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो दोबारा से यहाँ पर ब्लड गॉड के बॉडी को अपेयर कर लिया था, जो कि पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इसलिए ली यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो चेंगसाओ को अब फाइनली हरा देगा। इसलिए वो चेंगसाओ को बोलता है, चेंगसाओ तुम मेरे सामने घुटने टेक दो, नहीं तो तुम्हें आज यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इसके बाद वो चेंगसाओ के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी चेंगसाओ बोलता है, तुमने क्या बोला, मैंने कुछ भी सुना नहीं है। और वो भी एक अटैक को क्रिएट करके उससे ली के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ली को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि चेंगसाओ का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि एक ही झटके में चेंगसाओ ने यहाँ पर दोबारा से ब्लड गॉड की अपीयरेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इस चीज की वजह से ली इस बार बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ली को चेंगसाओ के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अब जाकर भी जब कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन तभी चेंगसाओ बोलता है, ली क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना नहीं सिखाया है, जो कि तुम इस जगह पर ऐसा एरोगेंट बिहेव कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे ये छोटे मोटे अटैक मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस बात को सुनकर ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसने दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, और साथ ही ली ने यहाँ पर अपने डोमेन को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसके अंदर में चेंगसाओ फंस जाता है, क्योंकि ये डोमेन दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और चेंगसाओ के ऊपर यहाँ पर ली कंटिन्यू बहुत सारे अटैक करने लगता है, लेकिन चेंगसाओ इन सभी अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉच कर लेता है। इसके बाद चेंगसाओ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ली का अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद चेंगसाओ ली को बोलता है, तुम्हारे ह्यूमन गॉड का वंशावली उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना तुम्हें लगता है, क्योंकि मैं आज तुम्हें इस जगह पर दिखाने वाला हूँ कि ब्लड की असली ताकत होती क्या है। इसके बाद चेंगसाओ अपने सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से उसके आसपास में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में थंडर की एनर्जी आ जाती है, और इससे चेंगसाओ ली के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है, जिसे डॉज करने में ली को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए ली अपनी एरी चोटी का जोर लगाकर इन सभी अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चेंगसाओ आखिरकार इस जगह पर ऐसा कैसे होने दे सकता था। इसलिए चेंगसाओ एक छोटा सा अटैक ली के ऊपर कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि यह अटैक जैसे ही ली को लगता है एक ही झटके में यहाँ पर जो डोमेन बना हुआ था वह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इन सब चीजों की वजह से ली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, और इन सब चीजों को दूर से चेंगसाओ आराम से देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अब ली जाकर भी इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तभी ली बोलता है, चेंगसाओ ये कौन सी ब्लड लाइन है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा खतरनाक ब्लड लाइन है जो कि इतना ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी भी एक सीक्रेट टेक्निक बची हुई है जो कि गॉड की डिवाइन आई है, और वो ये बोलकर इस आई को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद वो यहाँ पर अपने डिवाइन आई की मदद से बहुत सारे अटैक को क्रिएट करके उससे चेंगसाओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चेंगसाओ तो बहुत ही आसानी के साथ में ली के जितने भी अटैक थे उन सभी को डॉज कर लेता है। इसके बाद वो अभी यहाँ पर अपने एक अटैक को क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से चेंगसाओ के सिर में भी एक सिंबल अपेयर हो जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था, और इस सिंबल की वजह से चेंगसाओ ने अपने सोल को बाहर निकाल लिया था, जो कि पहले तो यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इस जगह पर जितने भी खतरे थे उन सभी चीजों के बारे में चेंगसाओ के इस सोल को पता चल गया था। इसके बाद वो सीधे ली के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। इसके बाद एक एक करके यहाँ पर चेंगसाओ के इस सोल ने जितने भी अटैक ली ने किए थे उन सभी को डिस्ट्रॉय करने लगता है, और जैसे ही चेंगसाओ यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है ली ने जितने भी अटैक क्रिएट किए थे वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर चेंगसाओ ने एक छोटा सा अटैक ली के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से वो सीधे दूर जाकर गिरता है। इसके बाद चेंगसाओ दोबारा से अपने सोल को अपनी बॉडी के अंदर बुला लेता है, और वो ली के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन ली ने भी टाइम रहते ही अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर चेंगसाओ के इस अटैक को ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन की मदद से चेंगसाओ के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन चेंगसाओ ने ली के सभी अटैक को डॉज कर लिया था, लेकिन ली के जो अटैक होते हैं वो चेंगसाओ का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए चेंगसाओ इन सभी अटैक से बचने के लिए थोड़ी सी दूर भाग कर आ जाता है। इसके बाद जैसे ही इसे मौका मिलता है वो यहाँ पर अपने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है,
जिसके अंदर से बहुत सारे मल्टीपल स्वॉर्ड बाहर निकलकर आ जाते हैं, जो कि सीधे जाकर इन सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद चेंसाओ ने यहाँ पर अपने डिवाइन स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लिया था। इसके बाद चेंसाओ अपने डिवाइन स्वॉर्ड से ली के ऊपर एक छोटा सा अटैक करता है, जिसकी वजह से ली के जितने भी अटैक थे वो सभी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से ली भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। उसे तो यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि चेंसाओ ने इतनी आसानी के साथ में इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसलिए वो बोलता है, आखिरकार ये चीज कैसे संभव हो सकती है कि चेंसाओ तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि मेरा ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन चेंसाओ कुछ भी नहीं बोलता है और वो सीधे ली के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। और चेंसाओ की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो नजर भी नहीं आ रहा था, जिसे देखकर ली बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और वो जब कुछ कर पाता तब तक चेंसाओ उसके सामने आ गया था। इसके बाद चेंसाओ एक पंच ली को दे मारता है, जिसकी वजह से वो सीधे जाकर एक चट्टान से टकराता है। और जब तक ली संभल पाता तब तक चेंसाओ ने और एक अटैक इसके ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से वो दोबारा से दूर जाकर गिरता है। और ऐसे ही चेंसाओ कंटिन्यू कुछ देर तक ली के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, जिसकी वजह से वह सीधे जमीन पर आकर गिरता है, जिसकी वजह से ली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि उसे खड़े होने में भी जगह पर प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन तब तक चेंसाओ ने और एक अटैक ली के ऊपर कर दिया था। इसके बाद चेंसाओ ली को यहाँ पर इतनी बुरी तरह से मारता है कि इसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि चेंसाओ यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए ली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद चेंसाओ फाइनली एक मूव क्रिएट करके उससे ली के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो सीधे जमीन पर आकर गिरता है। लेकिन चेंसाओ यहीं पर ही नहीं रुकता है और वो कंटिन्यू ली के फेस के ऊपर बहुत सारे अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से ली को यहाँ पर चिल्लाने तक का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पर चेंसाओ कंटिन्यू उसे मारे जा रहा था। इसके बाद फाइनली चेंसाओ एक अटैक को क्रिएट करके उससे ली के ऊपर हमला कर देता है। और ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसे दूर से ये सभी कल्टीवेटर भी देख पा रहे थे। इसलिए दोनों कल्टीवेटर आपस में बात करने लगते हैं कि ली ने शायद से चेंसाओ को जान से मार दिया है। इस बार ये दूसरा कल्टीवेटर बोलता है, चेंसाओ बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था, उसने यहाँ पर ना जाने कितने सारे लोगों की बेइज्जती की थी, इसलिए उसके साथ तो यहाँ पर ऐसा होना ही था, क्योंकि चेंसाओ ने मास्टर लिन की कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर दी थी, इसलिए उसका मरना तो तय ही था। तभी यंग मास्टर फैंगली बोलता है, चेंसाओ नीचे के चार नरकों में से पांचवें नरक में जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी की स्पिरिट जागरूक नहीं है, इसलिए इस चीज की वजह से उन लोगों को बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ चेंसाओ अभी भी ली को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था, और यहाँ पर ली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार चेंसाओ उसके ऊपर अटैक किधर से करने वाला है, क्योंकि चेंसाओ की स्पीड ही कुछ ज्यादा थी, क्योंकि जब तक ली इस जगह पर कुछ समझ पाता है तब तक चेंसाओ ने उसके ऊपर 10 अटैक कर दिए थे, इसलिए उसकी हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद चेंसाओ बोलता है, ली तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने ह्यूमन गॉड बनने का नाटक बंद कर देना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर दोबारा से पीटने वाला हूँ। इस बात को सुनकर ली बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है, कोई इस जगह पर आओ और मेरी जान को बचा लो, क्योंकि ये लड़का बहुत ही ज्यादा बुरा है। लेकिन तभी चेंसाओ अपने पैर से ली को दबा देता है और वो बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी बचाने के लिए आने वाला नहीं है, चाहे तुम इस जब से कितनी भी जोर से चिल्ला लो, लेकिन तुम्हें तो बचाने वाला कोई भी नहीं है। इसके बाद वो इसके ऊपर अटैक करने लगता है। और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज नहीं तो कल मैं 2-4 न्यू सीरीज को अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा।